बड़ी खबर, स्पर्श पेंशनर्स का पेंशन डाटा हुआ लीक, द साइबर एक्सप्रेस ने किया बड़ा खुलासा। लाखों पेंशनर्स का पेंशन डाटा हो गया लीक। लगभग 31 लाख सेना, नौसेना, वायुसेना और सिविलियन रक्षा कर्मचारियों का माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है। अब सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श पोर्टल को बड़े पैमाने पर डेटा लीक का सामना करना पड़ा है। पेंशन डाटा लीक होने से पेंशनर्स की गोपनीय जानकारियां जैसे सर्विस पर्टिकुलर्स, बैंक जानकारियां, आधार, पैन, ईमेल, मोबाइल, ये सब साइबर ठगों के पास पहुंच गए हैं। अब स्पर्श पेंशनर्स की पेंशन पर खतरा मंडरा सकता है। पेंशनर्स को भी बहुत सावधान रहने की आवश्यक है। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। द साइबर एक्सप्रेस की खबर के अनुसार स्पर्श पेंशन पोर्टल पर बड़े पैमाने पर डेटा लीक ने रक्षा कर्मियों को खतरे में डाल दिया है। एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उल्लंघन में सेना, नौसेना, वायुसेना और नागरिक रक्षा कर्मचारियों सहित रक्षा कर्मियों के लिए पेंशन प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए भारत की केंद्रीय वेब आधारित प्रणाली सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श पोर्टल को बड़े पैमाने पर डेटा लीक का सामना करना पड़ा है। स्पर्श पोर्टल डेटा लीक में हजारों रक्षा कर्मियों की संवेदनशील जानकारी उजागर हुई है, जिससे देश की रक्षा बलों में सेवा करने वाले लोगों की गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हो गई है। भारतीय रक्षा कर्मियों के लिए पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं के प्रबंधन में सहायक स्पर्श पोर्टल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS द्वारा विकसित किया गया था। TCS, जो अपने महत्वपूर्ण बाजार पूंजीकरण के लिए जाना जाता है, भारत की शीर्ष IT कंपनियों में से एक और विश्व स्तर पर सम्मानित IT सेवा ब्रांड के रूप में मान्यता प्राप्त है। स्पर्श पोर्टल डेटा लीक में उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, URL और पेंशन नंबर जैसे संवेदनशील विवरण शामिल है, जो प्रभावित पेंशन भोगियों की गोपनीयता और वित्तीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। विशेष रूप से इस संवेदनशील जानकारी तक पहुंच प्रदान करने वाले क्रेडेंशियल टेलीग्राम पर सामने आए हैं, जिससे पेंशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के दुरुपयोग और हेरफेर की संभावना पैदा हो गई है। स्पर्श डेटा लीक से संबंधित जानकारी कथित तौर पर रूसी बाजार में भी बेची जा रही है, जिससे रूसी हैकर समूहों की संभावित संलिप्तता की आशंका बढ़ गई है। लीक हुआ डेटा, जिसका आकार 0.41 मेगाबाइट है और कीमत 9.00 है, को मैलवेयर लुम्मा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। पोर्टल से उजागर गोपनीय विवरण मुख्य रूप से केरल के हैं। यह डेटा उल्लंघन में एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम जोड़ता है, व्यापक निहितार्थ और उजागर डेटा के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएं बढ़ाता है। स्पर्श पोर्टल डेटा लीक के बाद साइबर एक्सप्रेस टीम उजागर डेटा तक पहुंचने में कामयाब रही और समझौता किए गए क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके पोर्टल में लॉग इन करने और व्यक्तिगत जानकारी तक अप्रतिबंधित पहुंच प्राप्त करने में सक्षम थी। स्पर्श पोर्टल केंद्रीकृत पेंशन संवितरण प्रणाली CPDS का एक अनिवार्य घटक रक्षा पेंशन भोगियों के लिए कई सुविधाएं प्रदान करता है। स्पर्श पोर्टल डेटा लीक इन प्रमुख कार्यात्मकताओं पर गंभीर प्रभाव डालता है। पेंशन भोगी प्रोफाइल। लीक हुआ डेटा हजारों पेंशन भोगियों के प्रोफाइल को उजागर करता है, जिसमें व्यक्तिगत विवरण और उनके आश्रितों के बारे में जानकारी शामिल है। पेंशन भोगी डेटा सत्यापन PDV समझौता किया गया डेटा पेंशन भोगी डेटा की सटीकता को कम कर सकता है, जिससे अधिकृत व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण को भेजी गई जानकारी पर नियंत्रण मिल सकता है। एप्लीकेशन ट्रैकिंग पेंशन भोगियों की अपने पेंशन आवेदनों को ट्रैक करने और वास्तविक समय स्थिति अपडेट प्राप्त करने की क्षमता खतरे में पड़ जाती है, जिससे पेंशन संवितरण प्रक्रिया की पारदर्शिता प्रभावित होती है। पेंशन संवितरण समझौता किया गया डेटा पेंशन भोगियों के लिंक किए गए बैंक खातों में पेंशन के सीधे हस्तांतरण को जोखिम में डालता है, जो संभावित रूप से सेवानिवृत्त लोगों की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करता है। जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पेंशन भोगियों की प्रमाणीकरण के लिए पोर्टल के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की क्षमता, जो पेंशन अनुरोध शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, से समझौता किया जा सकता है। स्पर्श पोर्टल, जिसका उद्देश्य रक्षा पेंशन भोगियों के लिए पेंशन संबंधी गतिविधियों को सरल बनाना है,
अब अपने सुरक्षा उपायों पर जांच का सामना कर रहा है। साइबर एक्सप्रेस ने स्पर्श पोर्टल सुरक्षा चूक के संबंध में रक्षा मंत्रालय और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से आधिकारिक बयान और स्पष्टीकरण मांगा है। यह घटना भारत के रक्षा समुदाय की पेंशन को संभालने के लिए जिम्मेदार प्रणाली में महत्वपूर्ण कमजोरियों को उजागर करती है। सभी स्पर्श पेंशनर्स अब सावधान हो जाए, कहीं भी किसी को भी आपके मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी शेयर ना करें। इस पूरी घटना पर पीसीडीए और टीसीएस को अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इस वीडियो को स्पर्श पेंशनर्स की जानकारी के लिए सभी ग्रुप में शेयर कर दें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।